और योगी सरकार अनुशासन का दावा करती है, लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। बात सेल्फी लेने को लेकर शुरू हुई, लेकिन धैर्य ऐसा टूटा कि कार्यकर्ताओं के गुट आपस में ही भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। इसी दौरान जब उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में मौजूद थे तो एक अलग ही मंजर से सामना हो गया। सर्किट हाउस में केशव प्रसाद मौर्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उनके सामने ही उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट की आ गई। डिप्टी सीएम भीड़ के बीच खड़े थे, सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। अब शब्दों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा था। जब पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सेल्फी के लिए आमादा लोगों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की, और तो और एक महिला एसएचओ से भी हाथापाई होने लगी। बीजेपी खासकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अनुशासन के जरिए सुशासन को अपना मंत्र बताती है, लेकिन शायद अपने कार्यकर्ताओं के अति उत्साह पर उनका कोई जोर नहीं। वो लोग फरियादी लोग अपना अपना एप्लीकेशन लेकर के और धक्का मुक्की किए हैं, उसमें थोड़ी बहुत कोई बात हुई है तो वो तो कोई सामान्य घटना है। भीड़ का एक जो स्वभाव होता है, भीड़ के स्वभाव के कारण अगर किसी को कुछ धक्का मुक्की हुई हो तो उसके लिए मैं जिला बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते खेद प्रकट करता हूँ। मिलने के लिए कुछ लोग देख रहे हो कि आगे बढ़े थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो कोई बात नहीं जी। तो इसमें कोई घायल होने नहीं, नहीं तो कोई ऐसी कोई घटना। अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई पुलिस या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको पुलिस जो हमको लाइन ऑर्डर मेंटेन करता है, हमने अपना मेंटेन किया, पब्लिक को रोका, कोई भीड़ है मुत्तीज है मेल फेट कराने, बाकी नॉर्मली सब कम्प्लीट हो गया। बीजेपी नेता और जिले के अफसर भले ही इस घटना को छोटा और मामूली बताकर इसे गैर जरूरी जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के सामने जिन तस्वीरों को कैमरे ने कैद किया है उसे झुठलाना कहीं से समझदारी नहीं है। राजीव कुमार, आजमगढ़, आज तक।